अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के वीडियो में आप लोगों को ऐसा एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा जो कॉम्बिनेशन में आप लोगों को बहुत सारा एबिलिटी देखने को मिलेगा। बोलो कि भाई लोग एकदम परफेक्ट बोल सकते हो एक कॉम्बिनेशन क्लैश स्क्वाड रैंक के लिए, तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखते रहना। और क्लैश स्क्वाड रैंक में ये वाला सीजन में ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो तो जल्दी जल्दी चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो चलो बिना किसी देर के आज का वीडियो शुरू किया जाए। तो भाई लोग ये वाला कॉम्बिनेशन में कौन सा कैरेक्टर यूज करने वाला हूँ उसके आगे आप लोगों को यहाँ पर बोल देता हूँ ये वाला कॉम्बिनेशन में आप लोगों को क्या क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप लोग बहुत अच्छे से कवर ले पाओगे ये वाला कॉम्बिनेशन के लिए, फिर डैमेज इंक्रीज कर देगा ये वाला कॉम्बिनेशन की वजह से। यहाँ पर तुम्हारे ऊपर जब कोई एनिमी मारेगा तब डैमेज डिक्रीज कर देगा। यहाँ पर तुम लोगों को अनलिमिटेड एचपी मिल रहा है। फिर यहाँ पर एक एक मतलब एक एक बंदे को जैसे तुम डैमेज दोगे, डैमेज देते ही तुम्हारा एचपी इंक्रीज होते रहेगा। फिर जब तुम ग्रेनेड मारोगे, ग्रेनेड मारने का टाइम मतलब नॉर्मली जितना डैमेज देते हैं उससे ज़्यादा डैमेज देगा। और यहाँ पर नॉर्मली आप लोग जानते हो ग्रेनेड का डैमेज देने का एक रेंज होता है, वो वाला रेंज के से ज़्यादा हो जाएगा जब तुम ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे। फिर यहाँ पर तुम लोग लॉन्ग रेंज में ग्लोबल बिठा पाओगे। फिर यहाँ पर बहुत दूर तक तुम यहाँ पर ग्रेनेड मार पाओगे और एक एक किल के साथ तुम्हारा जैसे ही किल करोगे तुम्हारा एबिलिटी मतलब जो एक्टिव स्किल कैरेक्टर का एबिलिटी है फिर से आ जाएगा। मतलब अनलिमिटेड टाइम तुम लोग बार बार एक एक बंदा को डाउन करो और एबिलिटी यूज़ करते रहोगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला चीज़ समझ में आ गया। तो अभी आते हैं वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में हम लोग कौन सा कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो भाई लोग ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में आप लोगों को यूज़ करना है जो मेन कैरेक्टर एक्टिव स्किल कैरेक्टर में रहेगा वुकोंग कैरेक्टर, फिर एल्बारो कैरेक्टर, जोता कैरेक्टर और हायातो कैरेक्टर, और आप लोगों को पेट लेना है बेस्टन पेट। तो फर्स्ट में जो फैसिलिटीज़ बोला था ठीक है वो अभी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर कवर तुमको कैसे मिलेगा, वुकोंग का एबिलिटी यूज़ करके तुम लोगों को कवर मिलेगा। ठीक है, और वुकोंग का एबिलिटी यूज़ करके तुम लोग कवर में भी जा सकते हो। यहाँ पर बहुत अच्छा एक पोजीशन लेके एनिमी के हेड में बहुत अच्छे से डैमेज भी देके उसको मार भी दे सकते हो। तो नेक्स्ट आते इंक्रीज डैमेज। यहाँ पर हायातो कैरेक्टर क्या करते हैं, तुम्हारा हेल्थ जितना कम एनिमी के बेस्ट के ऊपर उतना ही ज़्यादा डैमेज देते हैं। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो नॉर्मली जितना डैमेज देते हो तुम्हारा गन जितना डैमेज देते हो उससे ज़्यादा डैमेज देगा। यहाँ पर तुम्हारे पास तो हायातो है तो तुम्हारा इलाइट हायातो भी है। इलाइट हायातो क्या करता है, तुम्हारा बेस्ट के ऊपर जब कोई बंदा मारता है एनिमी मारता है तब नॉर्मल से कम डैमेज देता है। और यहाँ पर फोर्थ जो आता है यहाँ पर अनलिमिटेड एचपी। अनलिमिटेड एचपी कैसा होता है, जैसे ही तुम कोई बंदा को डाउन करोगे डाउन करने से ही तुम लोगों को इंस्टेंट 40 एचपी मिल जाएगा यहाँ पर जोता कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पर नंबर फाइव में जो है मतलब एक एक डैमेज के लिए तुम लोगों को कैसे एचपी इंक्रीज होगा, आप लोग जानते हो जोता कैरेक्टर का एबिलिटी में और एक एबिलिटी है जैसे हम लोग एक एक बुलेट कोई बंदा का बॉडी में लगाते हैं हम लोगों को एक एक बुलेट के लिए भी एचपी मिलता है। यहाँ पर एआरएमओ और एसएमजी के लिए एक एक करके मिलता है, शॉटगन के लिए 3 करके एचपी मिलता है एक एक बुलेट के लिए, और यहाँ पर जो स्नाइपर के एक एक बुलेट है उसके लिए 10 करके तुम लोगों को एचपी मिलेगा। फिर यहाँ पर सिक्स में जो आते हैं इंक्रीज ग्रेनेड डैमेज। यहाँ पर तुम लोग जानते हो एल्बारो कैरेक्टर का एबिलिटी है ये जो ग्रेनेड का डैमेज जो का जो नॉर्मली जितना डैमेज देता है उसका डैमेज और भी इंक्रीज कर देता है। और भले आप लोग जानते हो ग्रेनेड का डैमेज देने का एक रेंज होता है ठीक है, और यहाँ पर एल्बारो कैरेक्टर आप लोग जब यूज़ करोगे ना तब यहाँ पर ग्रेनेड से जो डैमेज देता है उसका जो रेंज होता है मतलब एक सर्कल होता है वो सर्कल और भी बड़ा हो जाता है। इससे क्या होता है, बहुत परफेक्टली तुम लोग एनिमी को ग्रेनेड मार के डाउन कर सकते हो। और यही था 7 नंबर पॉइंट। और 8 नंबर और 9 नंबर में जो आता है ये मिलेगा आप लोगों को ये वाला फैसिलिटीज मिलेगा जब आप लोग बेस्टन पेट यूज़ करोगे। आप लोग जानते हो बेस्टन पेट से हम लोग लॉन्ग रेंज में ग्लोअल भी बिठा सकते हैं, यहाँ पर बहुत दूर तक हम लोग ग्रेनेड मार सकते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग बहुत दूर तक कवर में रहकर मतलब एनिमी को हम लोग देख रहे हैं बट एनिमी हम लोगों को नहीं देख रहा है, वहाँ से एनिमी को बहुत आसानी से ग्रेनेड से हम लोग यहाँ पर डाउन कर पाएंगे। और एट लास्ट जो आता है, जैसे हम लोग कोई बंदा को डाउन करेंगे उस टाइम क्या होगा, देखो जैसे हम लोग कोई बंदा को डाउन करेंगे इंस्टेंट हम लोगों का 40 एचपी बैक आ जाएगा। फिर इंस्टेंट हम लोगों का जो वुकोंग का एबिलिटी है वो फिर से आ जाएगा। आप लोग जानते हो नॉर्मली वुकोंग का जो कूल डाउन टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा है बट यहाँ पर जैसे हम लोग कोई एक बंदा को डाउन करेंगे हम लोगों का तुरंत एचपी तो बारी जाएगा यहाँ पर 40 एचपी, और यहाँ पर हम लोगों का एबिलिटी भी आ जाएगा वुकोंग का। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को चीज समझ में आ गया है। तो भाई लोग पहले ही बोला था ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन एक क्लैश स्क्वाड के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो किस लिए, देखो यहाँ पर ये वाला कॉम्बिनेशन से आप लोग बहुत आसानी से एक स्क्वाड को भी उड़ा सकते हो, बहुत आसानी से राश कर भी सकते हो,
फिर यहाँ पर तुम ग्रेनेडर का रोल भी प्ले कर सकते हो। मतलब बहुत बढ़िया एक कॉम्बिनेशन है ये वाला कॉम्बिनेशन। बोलो कि ये वाला कॉम्बिनेशन है क्लैश का ड्रैंग के लिए एक ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन। तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ मैं अच्छे से समझा दे पाया हूँ। तो भाई लोग आज का वीडियो इतना ही था, और आप लोग जानते हो आज गेम में अपडेट आने वाला है, और अपडेट आएगा तो नेक्स्ट डे आएगा न्यू सीजन क्लैश का ड्रैंग में। तो ये वाला सीजन में क्लैश का ड्रैंग में ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो तो जल्दी जल्दी चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि और भी अच्छा अच्छा टिप्स आने वाला है। ठीक है, तो भाई लोग मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक न्यू वीडियो में। तब तक सब लोग अच्छे से रहना। बाय बाय।